रंजो, ये वो शहर है जहां मेरा जन्म हुआ था। यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों पर मैं खूब खेला, यही मेरी स्कूलिंग हुई और यही मेरा कॉलेज था। ये देख, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना सामने, वहां मेरा स्कूल था। जी चाहता है दौड़ कर जाऊं और उस बिल्डिंग को ही चूम लूं, उसके पत्ते पत्ते गोशे गोशे को चूम लूं। और स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड था, वहां मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करता था और अपने शहर के लिए मेडल जीतता था, कप जीतता था। और मालूम है, यहाँ के आसमान पर हमेशा मेरी पतंगें उड़ा करती थी, मतलब जब मेरा दिल चाहता था, और कोई भी मेरी पतंग काट नहीं सकता था। दादा 80-80 पेच लड़ाकर पतंग नीचे आया करती थी। वो दिन भी बहुत कमाल थे, मैं कैसे भुला सकता हूँ। और मालूम है रंचो, उन दिनों मुझे राजा नहीं बल्कि आनंद। आनंद कौन? आनंद कौन? आनंद। अरे शालू, हाउ आर यू जगमोहन? मेट माय फ्रेंड रंचो। ओ हाय भाई, तुम्हें हमें यहाँ देखकर इतना ताजुब क्यों हो रहा है? हम तो यहीं के यहीं हैं, ताजुब तो हमें होना चाहिए तुम्हें यहाँ देखकर। वो भी इतने सालों बाद। हे शालू, कम ऑन, व्हाट आर यू सेइंग? यार आखिर हो कहाँ तुम आजकल? भाई एक ही शहर है हिंदुस्तान में जो हम जैसे दीवानों की मंजिल है। लोग कहते हैं कि वो ख्वाबों का शहर है, जबकि मैं कहता हूँ कि वो हकीकत का शहर है। यानी मुंबई में हो? यस मेरी जान, क्या खूब पहचाना है जगमोहन, आखिर हो किसके दोस्त। पर यार, शालू को तुम्हारी पत्नी के रूप में देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो क्यों? क्या मतलब है? अरे भाई, कॉलेज के दिनों में तुम्हारी नोक झोंक, तुम्हारी तकरार देखकर कोई सोच भी सकता था कि तुम दोनों लोग शादी कर सकते हो? भाई देखो, ये किसी फिल्म का डायलॉग है, पर बात बिल्कुल सही है कि नोक झोंक की प्यार की पहली सीढ़ी होती है। यस माय डियर, वेल सर। लेकिन तुम्हारे प्यार के डेवलपमेंट को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे प्यार का सफर सीढ़ी से नहीं बल्कि किसी जेट स्पीड की लिफ्ट से शुरू हुआ। रियल गुड वन यार। अभी आप बातें ही करते रहोगे कि घर पर भी चलोगे? घर पर भी का क्या मतलब है, घर चलेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे भी। चलो चलो। आओ चलो आओ। माय गॉड, ड्रीम होम यार, कमाल कर दिया यार। सच मुझे कहना चाहिए कि आलीशान जगह है ये। जगमोहन, एक बात सच कहूँ, बंगला वाकई बहुत ही खूबसूरत बनवाया है। ना 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 ना, बनवाया नहीं है तो। ये शालू के साथ शादी करने के बाद मिला है। बैठो यार, बैठो। वेरी गुड। अच्छा ये तो बताओ कि ओ नो, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पिछले दिनों चेज में मोटरसाइकिल स्किड हो गई थी, बस चोट लग गई। हमेशा का तुम्हारा। अरे तुम ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? मैं खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी, यार वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, दैट्स ग्रेट। अभी हमारी कंपनी चिपलू में एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रही है। वेरी गुड। और फिलहाल उसी प्रोजेक्ट में मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरा ज्यादातर समय वही चिपलू में ही गुजरता है। अरे यार, मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अपनी भी सुनाओ। अपने बारे में क्या सुनाऊं जगमोहन, आनंद तो अब एक गुजरे वक्त की दास्तान बनकर रह गया है। तुम तो जानते हो कि बड़े भैया नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी डिटेक्टिव एजेंसी मैं ही चलाता हूं। ओह गुड। डिटेक्टिव राजा बनकर, मैं हूं डिटेक्टिव राजा और ये है मेरा जोड़ीदार रेंचो। राजा और रेंचो। राजा और रेंचो की मशहूर जोड़ी को कौन नहीं जानता। हाँ, इनके बारे में अखबार में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो है जगमोहन, लेकिन ये सब मैं अपना फर्ज समझकर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस जगमोहन, अगर हमारे ब्रिज का ग्राफ कुछ ऐसा बने तो कैसा रहेगा? नीलम, ब्रिज की बातें अब चिपलूं पहुंचकर, पहले मेरे बचपन के दोस्त आनंद से मिलो। हाय नीलम, हाउ डू यू? हाय आनंद, ये हमारे चेयरमैन की बेटी नीलम है। फिलहाल मेरे साथ घूमने गोवा आई हुई है, पर ये प्रोजेक्ट में ही बिजी रहती है। वाओ, दैट्स गुड। और नीलम अभी मशहूर डिटेक्टिव राजा के नाम से जाने जाते हैं, और ये है उनके असिस्टेंट रंचो। ओह हेलो। अच्छा आप लोग बैठिए, आई विल कैरी ऑन विद माय वर्क। गो अहेड। बलुराम, बलुराम तुम यहाँ कैसे? तुम तो वो एमएलए साहब के यहाँ काम करते थे ना? आनंद बाबू करते थे। वो क्या है कि बहुत ही दल बदलू हैं, वो इतना दल बदलते थे कि हमने वो घर ही बदल दिया और पिछले 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि वो एमएलए साहब पिछला इलेक्शन हार कैसे गए,
भाई भोलू राम जैसे इंसान को जिसके घर में रहना गवारा ना हो उसे भला भोली वाली जनता वोट कैसे देगी। हेलो। हाँ जगमोहन बोल रहा हूँ। हाँ 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 डे एंड नाइट काम चलते रहना चाहिए। हाँ आज ही चिपलून पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके। अरे भाई भोलू जी बहुत तारीफ हो चुकी है आपकी। अब आप अंदर जाइए और आनंद यानी अपने राजा साहब के लिए फटाफट एक कमरा तैयार कीजिए। हाँ हाँ एक मिनट जगमोहन, उसकी कोई जरूरत नहीं यार, तुम्हें तो मालूम है गोवा में अपना बंगला है, वहीं मैंने अपना डेरा जमाया हुआ है। और फिर कुछ ही घंटों की तो बात है, शाम को 4 बजे की फ्लाइट से तो बंदा उड़ ही जाएगा मुंबई के लिए। अरे यार हम भी 3 बजे की ट्रेन से चिपलून जा रहे हैं। हाँ पर एक वादा करना, अगली बार जब गोवा होगे कम से कम 1 हफ्ता हमारे साथ रहोगे। 1 हफ्ता? क्यों पार्टनर? यस यस ऑलराइट यार डन। आप इजाजत। ओके एक बात और, ये जरा मेरा कार्ड रख लो और आने के पहले फोन जरूर कर लेना। बिजी बी जस्ट लाइक यू। शालू जरा ध्यान रखना, ज्यादा दिन बाहर नहीं रहने देना इसको। ओके डियर बाय। यस रंजू पाजी आपका बैग तैयार हो गया कि नहीं? मेरा तो बैग हो गया तैयार, चलते हैं जल्दी, फ्लाइट का हो गया है टाइम। हाँ अब इस वक्त किसका फोन आ गया भाई? हेलो राजा हियर। हेलो आनंद बाबू, हम भोलू बोल रहे हैं। भोलू? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है बोलो। बाबूजी आप इस शहर से मत जाइएगा। हाँ पर क्यों? आप बाहर जाएंगे ना तो यहाँ गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा? क्या गजब हो जाएगा? यहाँ जगमोहन साहब के बंगले में एक खतरनाक साजिश चल रही है। क्या जगमोहन साहब के बंगले पर साजिश चल रही है? बाबूजी यहाँ बंगले में खून होने वाला है। क्या जगमोहन साहब के बंगले पर खून होने वाला है? क्या बात कर रहे हो तुम? भोलू भोलू बताओ किसका खून होगा, तुम बोलते क्यों नहीं? भोलू भोलू माय गॉड रंचो कुछ गड़बड़, हमें फौरन जगमोहन के बंगले पर जाना होगा। आ जाओ जल्दी शाबाश। रजत हिम्मत से काम लो, परेशान होने से सारा काम बिगड़ जाएगा। मरने वाला तो मर गया, अब आगे सोचो कि क्या करना है। मैं क्या सोचूं? तुमने तो मुझे बता ही दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वैसे ही करना। ओके ओके टेक केयर बाय बाय। अरे आ रही हूँ ना बाबा। कौन है? एक मिनट कौन है? खोल रही हूँ ना बाबा। तुम? तुम तो आज मुंबई जाने वाले थे। हाँ नहीं गया। क्यों? वेल तुम लोगों को छोड़कर जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मगर जगमोहन और नीलम तो ट्रेन से चिपलून चले गए। सचमुच? अरे और क्या, मैं खुद उन्हें ट्रेन पर छोड़ के आई हूँ। तुम अपना प्रोग्राम अगर टेलीफोन पे बता देते तो शायद वो भी नहीं जाते। गलती हो गई मुझसे, वैसे अब अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? ओह सॉरी कम इन। तुम्हारी याद आता है। हाँ मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे दरवाजे पर नहीं, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ। एज यूजुअल। कम ऑन। ओके बैठो। थैंक यू शालू। क्या पियोगे आनंद? सॉरी राजा। वेल तकल्लुफ जाने दो शालू, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ये बताओ तुम्हारे बंगले का नौकर भोलू राम कहाँ है इस वक्त? मैं तो उसे बंगले पर छोड़कर जगमोहन और नीलम को छोड़ने स्टेशन चली गई थी। वापिस आकर देखती हूँ तो जनाब यहाँ थे ही नहीं, पूरा बंगला खुला पड़ा था। अच्छा जाने से पहले उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं तो। तो फिर कहाँ चला गया होगा वो? गया होगा कहीं, मगर तुम इस बात को लेकर इतने सीरियस क्यों हो गए हो? क्योंकि बात सीरियस होने की है शालू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बात है राजा? शालू
भोलू के मुताबिक तुम्हारे इस बंगले में कोई साजिश चल रही है। आज यहां खून होने वाला है। साजिश? खून होने वाला है? किसका खून होने वाला राजा? किसका खून? कूल डाउन, डरो मत। देखो, तुम्हारे पति जगमोहन और नीलम तो पहले ही चिपलूण जा चुके हैं। अब इस बंगले में बचती हो तुम, इसलिए जाहिर है तुम्हारा राजा। डरो मत शालू, राजा और रेंचो के यहां रहते किसी का खून हो जाए यह नामुमकिन है। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, मेरे आने से पहले कोई यहां आया था जिसके साथ बैठकर तुमने ये कोल्ड ड्रिंक पिया? रजत यहां आया था। रजत? मैं जानता हूं उसे। गोवा में नया आया है। हाँ हाँ। सेंट कोलंबस कॉलेज में फिलोसॉफी का लेक्चरर है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, दोस्त है तुम्हारा? हाँ, दरअसल मेरी हाल ही में उससे दोस्ती हुई है। कैसा दोस्त? जैसे तुम मेरे दोस्त हो राजा, तुम तो मुझे जानते हो। हाँ शालू, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। शालू, मुझे बताओ कि वो यहाँ कितनी देर रुका था? करीब आधा घंटा। आधा घंटा? बहुत परेशान था वो? तुम्हें कैसे मालूम वो परेशान था? वेल, क्योंकि प्रोफेसर रजत साहब 30 मिनट में 6 सिगरेट फूंक गए यहाँ। हाँ, कुछ ज्यादा ही परेशान था वो। गांव में उसका भांजा तालाब में गिरकर मर गया। वेरी सैड। राजा। शालू, डरो मत, जिसने आना है वो तो आएगा ही, लेकिन राजा से बचकर जा नहीं सकेगा वो यहां से। राजा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी तो जान जा रही है। चलो यहां से कहीं और चलते हैं। नहीं शालू, बिल्कुल नहीं, यहां से कहीं भाग जाने से जान नहीं बचेगी, क्योंकि कातिल की नजर हम पर है। यह अलग बात है कि हमारी नजर कातिल पर नहीं है। चालाकी और होशियारी इसी में है शालू, कि कातिल यहां आए और हम उसे धर दबोचें। वेल, एक बात बताओ शालू, मैं तुम्हारे इस बंगले की तलाशी ले सकता हूं? तलाशी? एनी ऑब्जेक्शन? नो, यू कैन। थैंक यू वेरी मच। आओ रंचो, कम। रेंचो, रेंचो बी अलर्ट, ओके? हाँ, गुड बेडरूम। हाँ, ओह नो, ओह गॉड, जगमोहन।